हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी ये गाड़ी जो है पैशन प्रो है, ये देखिए पैशन प्रो VS3 मॉडल है और देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, जो है मिस फायरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे गाड़ी एक्सीलेटर लो तो गाड़ी झटके लेती है। तो देखिए मैंने पूरी गाड़ी ओपन कर दी है और आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूँगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट तो बड़े आराम से हो रही है लेकिन जो है मिस फायरिंग कर रही है। जैसे मान लीजिए एक्सीलेटर लेते हैं, गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है। ठीक दोस्तों, जैसे झटके ले लेके चल रही है, इस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यही सॉर्ट आउट करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी एक VS ये गाड़ियाँ होती हैं, जो भी न्यू मॉडल गाड़ियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, इग्निशन लॉक में दो तार होती है। दो तार होने की वजह से जो होता है इनका जो करंट होता है, सप्लाई जो होती है बैटरी से आती है। अब आप सोचेंगे कि भाई बैटरी से दिक्कत है, तो बैटरी से दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो हमने चेक किया दूसरी लगा करके, फिर भी इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सही नहीं हुई है। हाँ, अगर आपका चार्जर ख़राब होगा तो समझ लीजिएगा आपकी गाड़ी में करंट नहीं आएगा, या फिर बैटरी ख़राब होगी और चार्जर भी ख़राब होगा, और बैटरी अगर सही होगी और चार्जर सही होगा तो समझ लीजिएगा आपका करंट आएगा। अगर एक इन दोनों में से एक चीज़ अगर ख़राब होगी तो समझ लीजिएगा करंट आपकी गाड़ी में नहीं आएगा। बैटरी ख़राब होगी तो आपकी गाड़ी में करंट नहीं आएगा, और चार्जर ख़राब होगा तो भी गाड़ी में करंट नहीं आएगा। अगर चार्जर सही होगा तो बैटरी ख़राब होगी तो आपकी गाड़ी में करंट जरूर आएगा। बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई कोई गाड़ी में होती है, कोई कोई गाड़ियों में नहीं होती है। अगर बैटरी ख़राब होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक दोस्तों, लेकिन चार्जर आपका बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमने इसका जो चार्जर है ये भी चेक किया था और बैटरी भी चेक किया था। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब चैनल पे, तो आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। और दोस्तों हमने क्या चेक किया था, जो है इसकी CDI भी दूसरी लगा कर चेक की थी, और काफ़ी समय से हम परेशान थे क्योंकि गाड़ी में जो है ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम परेशानी से गुजर रहे थे। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए। फिर हमने क्या किया, फिर इसकी जो ST कॉइल है इसको भी खोला और चेक किया और दूसरी लगा करके चेक किया, फिर भी ये प्रॉब्लम का जो है सट आउट नहीं हुआ। फिर हमने जो है इसका फ़िल्टर भी साफ़ किया, देखिए क्लीन दिख रहा होगा फ़िल्टर, और कार्बोरेटर की सेटिंग करके भी देख लिया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इतना सब कुछ हमने देख लिया, उसके बाद भी जो गाड़ी की जो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं निकला। ठीक दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें देख लेते, जैसे मैंने देखा है, और फिर भी गाड़ी में सॉर्ट आउट, गाड़ी की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं ठीक होती है। लेकिन फिर हमने क्या किया, इसका जो है स्पार्क प्लग खोला, तो चलिए उधर से हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमने स्पार्क प्लग खोला, और स्पार्क प्लग हम खोल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका जो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, मिसिंग की प्रॉब्लम आती है, या कोई भी ऐसी तरीके की प्रॉब्लम आती है जो हमारे नहीं सर में आती है, तो हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ें खोल लेते हैं। जैसे पिकअप कॉइल हो गया, ST कॉइल हो गई, चार्जर हो गया, बैटरी हो गई, और CDI हो गई, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। लेकिन जो है नॉर्मल सी चीज़ है, जो छोटी सी चीज़ है, वो नहीं चेक करते हैं। ठीक दोस्तों, तो वो ज़रूर चेक करनी है आपको, जैसा कि है स्पार्क प्लग। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों गौर से देखिए ये स्पार्क प्लग का जो पॉइंट है ये कहाँ चिपका हुआ है। ये अगर स्पार्क प्लग का पॉइंट इस तरीके से चिपका होगा तो भी आपकी गाड़ी जो है मिसिंग करेगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमने बहुत मेहनत कर लिया था, सब कुछ चेक कर लिया था, लेकिन हमने स्पार्क प्लग नहीं खोला था, क्योंकि हमको खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि हम सोचे कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो मान लीजिए उसी से प्रॉब्लम होगी। लेकिन कभी कभी होता है कि छोटी चीज़ों को ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये हमने छोटी चीज़ देखी स्पार्क प्लग इसका, और स्पार्क प्लग का पॉइंट देखा कि बिल्कुल चिपका हुआ है, तो फिर हमने सोचा कि स्पार्क प्लग ही से दिक्कत है। तो हमने क्या किया, इसका स्पार्क प्लग को सेट किया। सेट कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों सेट कैसे करना है आपको मैं आज ये दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट चिपका हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम निकालते हैं और इस तरीके से मतलब खींच करके बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बढ़ा लेंगे। कितना करना ये मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी दूँगा और प्रूफ के साथ आपको काम करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पेचकस की मदद से प्लास से पहले उचकाया, अब हम पेचकस की मदद से इसको उचका देते हैं। ठीक दोस्तों, कितना होना चाहिए, एक आरी ब्लेड का गैप होना चाहिए। ठीक दोस्तों, जैसा कि आपको ये
इसमें दिख रहा है, इतना गैप आपके स्पार्क प्लग में होना चाहिए। अब हम ये स्पार्क प्लग साफ़ करके अपनी गाड़ी में लगाते हैं और फिर मैं आपको चेक कराता हूँ कि गाड़ी मिसिंग फायरिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अगर प्लग का गैप जो है वो कम होगा या फिर प्लग दबा होगा तो हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, तो इसे हम प्लग को वॉश कर लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं फिर गाड़ी में लगाते हैं, ठीक दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और, जब आपको प्लग लगाना हो तो आपको एक दो फ्री किक मार लेनी है ताकि जो अंदर कचरा है वो सब निकल जाए और गाड़ी में जो है प्रॉब्लम ना आए, ठीक दोस्तों। तो हम ये स्पार्क प्लग जो है इसमें लगा देते हैं, इसका पॉइंट जो है सेट करके स्पार्क प्लग वही लगाएंगे, कोई नया प्लग नहीं लगा रहे हैं, उसी प्लग को हमने लगा दिया। किसी मैकेनिक भाई ने कहीं इन्होंने प्लग चेंज कराया होगा और प्लग चेंज कराने के बाद किसी मैकेनिक भाई ने या किसी गलती वजह से वो इसकी जो पॉइंट है वो दब गया होगा और दबने की वजह से गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई वायरिंग ख़राब है या CDI ख़राब है या बैटरी ख़राब है या ST कॉइल ख़राब है, लेकिन छोटी सी चीज़ नहीं देखते। हमारा मतलब है कि आपको छोटी से बड़ी चीज़ें सारी चीज़ें चेक करनी है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो सके, ठीक दोस्तों। अब हम स्टार्ट करके आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग भी आपकी सही हो गई है, पहले गाड़ी में क्या दिक्कत आई थी, पहले बंद भी हो रही थी और जो है मिसिंग प्रॉब्लम भी आ रही थी, अब देखिए कोई भी मिसिंग प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता आपको ये वीडियो नॉलेजफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।